सेक्स करने का कंपल्शन, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। ये जो व्यक्ति है करीब करीब 30 साल का, मुझे उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन से बात किया और उनका कहना यह था कि भाई पिछले 2 साल से उसको सेक्स के विचार बहुत ज्यादा आते हैं और जब सेक्स के विचार आते हैं उत्तेजना बहुत ज्यादा आती है और फिर वो सेक्स उसको कंपल्सरी करने पड़ता है। फिर सेक्स करने के बाद में वो हो गया तो उसको ठीक लगता है, समाधान लगता है, फिर बाद में कुछ समय होने के बाद में फिर विचार आएंगे तो फिर उसको लगता है कि अपन ने सेक्स करना चाहिए। फिर उसमें क्या हो गया कि उसमें उसकी वाइफ परेशान हो गई कि भाई कितने बार अभी सेक्स करना, इच्छा भी नहीं है तभी वो बार बार बोल रहा है सेक्स करने के लिए। तो उसको इतने वो इच्छा होती है सेक्स करने की, इतनी ज़्यादा इच्छा हो जाती है और इतना जो विचार बहुत हावी हो जाता है कि उसको वो करना ही पड़ता है, वो नहीं किया तो फिर वो गर्म हो जाएगा, फिर वो झगड़ा करेगा और उसको सेक्स ही होना है वाइफ के साथ। अभी वाइफ कितने बार करे, मतलब दिन में वो खुद अपना उसका बिजनेस है तो बिजनेस में से उसको बहुत ज़्यादा यदि वो कंपल्शन हो गया तो घर में आएंगे और डिमांड करेगा वाइफ के साथ में कि मेरे को सेक्स करने का है। फिर वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो गया तो फिर हस्तमैथुन कर लेता है और हस्तमैथुन से भी उसको खुद को ठीक लगता है थोड़ा बहुत, मतलब सेक्स का सब्स्टिट्यूट करके उसको ऐसा लगता है कि ये सेक्स बहुत ज़्यादा करके अपना लिंग छोटा हो गया है, लिंग घिस गया है, और फिर वो भी विचार आता है कि अपना लिंग छोटा हुआ है या लिंग घिस गया है करके। अब इससे इसके बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क हो गया, टीवी देखना नहीं, कोई वीडियो देखता नहीं, क्योंकि कुछ भी टीवी पे देखा, कोई लड़की देखी या कोई फोटो देखे, कहीं पेपर में भी कहीं किसका पिक्चर देख लिया या फोटो देख लिया तो उसको विचार आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है और उसको लगता है कि अपन ने सेक्स करना चाहिए करके। तो उसमें उसका मतलब काफ़ी सारा पेनिस के ऊपर भी ऐसे कभी कभी छाले आ जाते हैं बहुत बार ज़्यादा करने से और उसको लगता है कि अभी इसमें से मेरी छुटका होंगी नहीं, क्योंकि बार बार विचार आते रहता है, उसको एन्जॉयमेंट नहीं मिलता, फिर करना ही पड़ता है करके करता है। तो उसने सेक्स डॉल लाया, तो सेक्स डॉल आपको पता है कि सेक्स डॉल एक औरत जैसी गुड़िया रहती है और वो जैसा दिखती औरत जैसी, उसके साथ में सेक्स किया तो उसको वैसे ही समाधान मिल सकता है। तो उसने फिर औरत उसकी पत्नी नहीं बोल रही तो सेक्स डॉल के साथ में उसने सेक्स करना चालू किया और उससे भी उसको समाधान नहीं हो रहा है, हस्तमैथुन भी कर रहा है और उसको कम से कम 5-6 बार तो रोज होना ही हो है और 2 साल से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। उसको जब हिस्ट्री पूछा तो उसको 10 साल पहले ऐसा ओसीडी का सिम्टम उसको आया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार विचार आना, बार बार हाथ धोना, उसने दवाई लिया था और दवाई लेके अच्छा लगा था, वही दवाई वही डॉक्टर से उसने लिया भी फायदा नहीं हो रहा। तभी उसने मुझे कंसल्टेशन किया कि भाई अपने को यहाँ ओसीडी का भी और सेक्स का भी समस्या का यहाँ हल हो जाएगा। फिर उसको मैंने बताया कि ठीक है आपको दवा तो लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको कंपल्शन हो गया, सेक्स करने का कंपल्शन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया और उसमें एंजॉय नहीं करते भी उसको कंपल्शन होता है और उसको करना ही पड़ता है और वो इट इज हैम्परिंग डेली लाइफ, रोज का जीवन हैम्पर कर रहा है वो। तो उसने दवाई लेने का मान लिया, उसको दवाई दिया मैंने, मेडिसिन दिया एंटी ऑब्सेशन की और साथ साथ उसको हिप्नोथेरेपी साइकोथेरेपी के लिए उसको तैयार किया और उसने हिप्नोथेरेपी लेके खुद को सजेशन देना, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन से उसको रिलीफ मिलना चालू हो गया। धीरे 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 उसको फायदा हुआ और अभी काफ़ी अच्छा है और अभी बोलता है कि मुझे 1-2 बार अभी मैं दिन में करता हूँ, एक आधी बार रात में करता हूँ सेक्स और मतलब 50% रिलीफ अभी उसको मिला है। मतलब ये अभी आपको 4 बार रोज हिप्नोथेरेपी करनी पड़ेंगी, गोली लेनी पड़ेंगी, दवाई का डोज जो है गोली का वो हम बढ़ाएंगे और धीरे धीरे उसका ऑब्सेशन जो है और कंपल्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये ओसीडी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कोई भी प्रेजेंटेशन में अपने सामने आता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई सेक्स करना ज़्यादा गलत नहीं है, मतलब कोई लोग बोलते हैं ज़्यादा सेक्स किया, ज़्यादा हस्तमैथुन किया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मगर मतलब इच्छा नहीं है तभी भी करना पड़ता है और एन्जॉयमेंट नहीं आता तभी करना पड़ता है तो वो प्रॉब्लम है। तो इसमें ये था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि सेक्स का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा लोगों का है, बहुत ही ज़्यादा, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, तो उसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। मेरा ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दो और उसमें वहाँ फ्री चैटिंग आप कर सकते हैं और आपको कुछ सवाल होंगे तो जरूर ऑनलाइन कंसल्टेशन आप मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।